लास्ट 2 दिन से बाजार के अंदर जो शानदार रैली हमें देखने को मिल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं हमें थमती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि रुकती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है और इसकी जो क्लोजिंग निकल कर आई है वो रेड में देखने को मिल रही है, यानी कि निफ्टी ने आज के दिन 18,122 पर अपनी क्लोजिंग दी है। सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो कुछ सेक्टर आज के दिन हमें पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए देखने को मिले और कुछ सेक्टर आज के दिन हमें नेगेटिव परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल देखें तो कोई बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिली, लेकिन कोई खास तेजी भी यहां पर देखने को नहीं मिली है। जिसमें हम मेनली देखेंगे तो निफ्टी बैंक आज हमें गिरावट के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला, वहीं ऑटो सेक्टर में तेजी थी। फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिली, तो वहीं FMCG सेक्टर पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। IT सेक्टर अगेन हर बार की तरह हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। तो ये तो बात हो गई मार्केट के ओवरऑल व्यू की। अब बात करें आज के दिन क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसके चलते कल के दिन बाजार के अंदर हलचल हो सकती है। तो सबसे पहली अपडेट हमें RBI की तरफ से देखने को मिल रही है। RBI की MPC के जो मेंबर्स है, यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स है, जो कि डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाएगा या फिर कट किया जाएगा, और उसी के ऊपर हमारी इंडिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट रहती है, तो उसको लेकर कुछ मेंबर्स की तरफ से आज के दिन हमें कुछ बड़े अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट और टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूँ। आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें MPC मीटिंग्स के, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके 3 मेंबर्स की तरफ से ये अपडेट देखने को मिल रही है कि 2023 में ग्लोबल ग्रोथ के चलते RBI जो इंटरेस्ट रेट है उसे कट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियाज़ मॉनेटरी पॉलिसी कुड रिवर्स इन 2023 एज वीकनेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी में डैम्पन डोमेस्टिक ग्रोथ। तो यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो अब स्लो हो चुकी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2022 में RBI ने लगभग 3 से 4 बार बढ़ा दी है, जिसके चलते हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, और हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल में आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि RBI जो टारगेट लेकर चल रही थी इंटरेस्ट रेट का, जो इन्फ्लेशन रेट का, वो लगभग 6% से कम का लेकर चल रही थी, और दिसंबर 12 दिसंबर 2022 के दिन जो हमारे नवंबर मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स निकल कर आए हैं 5.8% के, वहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इसी के चलते ये माना जा रहा है कि 2023 इंडिया की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, और ओवरऑल अगर इंडिया की ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली सेक्टर वाइज हमें सभी सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और अगर आपने एक फंडामेंटली स्ट्रांग पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो बात हो गई 2023 के पूरे ईयर की, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो रिसेंटली एक अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। कुछ मिनट्स पहले ये अपडेट निकल कर आई है जिसमें इंडिया के लिए आने वाले 14 डेज, आने वाले 40 दिन थोड़े से क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कोविड के केसेस हैं अब हमें उनमें नंबर्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और अगर इसी तेजी से कोविड के नंबर्स बढ़ते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट में देखने को मिल सकती है, जो कि ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगेन मार्केट का सिनेरियो अभी जाकर पूरी तरीके स्टेबल हुआ है, लेकिन वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आज ही के दिन आई एक रिपोर्ट के अनुसार निफ्टी जो यहाँ पर दिसंबर 2023 तक 19,500 रुपये का लेवल टच कर सकती है, और सेंसेक्स 64,500 का लेवल टच कर सकता है। MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का यहाँ पर यह मानना है। तो यदि आपने मार्केट में पोजीशंस बना रखी है और अगर आप MK इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ को फॉलो करते हैं तो आप इन टारगेट के साथ में जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रीबैलेंसिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन कल के दिन वहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। यानी कि अभी के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का वेटेज निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लगभग 11.36% का। उसके बाद में HDFC बैंक लिमिटेड का हमें वेटेज देखने को मिलता है 8.53% का। ऐसे अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC, TCS, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टोरबो लिमिटेड, ऐसे करके इन निफ्टी 50 कंपनियों का वेटेज देखने को मिलता है। और जिस कंपनी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर जो फंड का इनफ्लो है, जो FII, DII का इनफ्लो है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है कि कल के दिन जो रिपोर्ट यहाँ पर डिक्लेयर होने वाली है, जिसमें जो
कंपनियों का वेटेज यहां पर निफ्टी 50 के अंदर बढ़ने वाला है उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको काफी अच्छे इनफ्लो आते हुए देखने को मिलेंगे जिस कारण से यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले उन कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर बढ़ने वाला है, फिर उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका वेटेज निफ्टी 50 के अंदर डिक्लाइन होने वाला है। तो सबसे पहले नाम निकल कर आ रहा है एक्सिस बैंक लिमिटेड का, जहां पर इसका वेटेज बढ़ने वाला है और यहां पर लगभग $21 मिलियन का इन्फ्लो आने की बात करी जा रही है। सेकेंड शेयर के बारे में बात करें जिसका नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर भी लगभग $16 मिलियन का इन्फ्लो आने की बात करी जा रही है, यानी कि भारतीय एयरटेल का वेटेज भी यहां पर बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंड शेयर्स, थर्ड शेयर्स की बात कर लेते हैं जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अडानी ग्रुप की कंपनियों आज भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में हमें देखने को मिली है और रिसेंटली अडानी पोर्ट का वेटेज भी निफ्टी 50 के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। एक शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहां पर भी निफ्टी 50 के अंदर इस कंपनी का भी वेटेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है और यहां पर भी लगभग $9 मिलियन का इनफ्लो हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जब इन कंपनियों के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का पैसा आएगा तो डेफिनेटली इनकी जो शेयर प्राइस है वहां पर भी हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। यहां पर भी इन्फ्लो आने वाला है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ $3 मिलियन के इन्फ्लो आने की बात करी जा रही है, यानी कि HDFC बैंक लिमिटेड का वेटेज भी निफ्टी 50 के अंदर अगेन हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अनदर बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। यहां पर भी $3 मिलियन का इन्फ्लो आने की बात करी जा रही है। इन लास्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका भी वेटेज बढ़ने की बात करी जा रही है और यहां पर भी हमें लगभग $3 मिलियन का इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई उन कंपनियों के बारे में जिनके अंदर हमें जो कल से वेटेज चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जहां पर हमें कल जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसमें जो निफ्टी 50 के अंदर ये कंपनियां इनका वेटेज डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर हमें FIDII की तरफ से जो पैसा था वो जाते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले शेयर्स का नाम है बजाज फिंसर लिमिटेड। जी हां दोस्तों, यहां पर लगभग $20 मिलियन का आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर भी वेटेज रिड्यूस हो सकता है जिस कारण से यहां पर भी लगभग $12 मिलियन का आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। यहां पर भी हमें आउटफ्लो देखने को मिल सकता है लगभग $8 मिलियन का। और लास्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है टेक महिंद्रा लिमिटेड। यहां पर भी हमें लगभग $3 से $4 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट शेयर्स थे। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कल के दिन क्या रहने वाला है ये हम आज की लास्ट वीडियो में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।